मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। जून महीने में मुंबई में एक बहुत बड़े स्टार की मौत हो जाती है और धीमे धीमे पूरा देश उसे इंसाफ दिलाने के लिए उमड़ पड़ता है, चाहे वो खबरों की बात की जाए या फिर संस्थाओं की, सभी उसको इंसाफ दिलाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, एक छोटे से लड़के की, जो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था, राहुल राजपूत, उसकी मौत होती है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में होती है। और जब उसकी मौत होती है तो उसको लेकर कुछ बातें तो होती हैं, लेकिन इंसाफ की जो आवाज बुलंद होनी चाहिए वैसा दिखता नहीं है कुछ। आखिर घटना क्या हुई थी और इंसाफ की राह में क्या कुछ हो रहा है, उससे परिवार संतुष्ट है या नहीं है, राहुल राजपूत के पिताजी क्या सोचते हैं, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं राहुल राजपूत के पिता से। राहुल राजपूत के पिता संजय जी है और संजय जी हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। संजय जी नमस्कार सर। बहुत दुख की बात है, एक बेटे की मौत हो जाती है और वो भी हत्या होती है, बहुत बड़ा पहाड़ कलेजे पे टूटा है आपके, दुख बहुत है, लेकिन क्योंकि इंसाफ दिलाना है इसलिए हम भी आपसे बात कर रहे हैं, और क्योंकि इंसाफ मिले, जल्दी मिले, और इसी दिशा में हमारा प्रयास है और इसी दिशा में आप भी लगे हैं, इसीलिए आप हमसे बात भी कर रहे हैं। संजय जी सबसे पहले तो एक परिचय दीजिए, आपका घर परिवार, आप क्या करते हैं, कितना परिवार घर में, कितने लोग हैं, कृपया वह सब बताइए। सर घर में मैं, मेरी वाइफ, एक लड़का और एक लड़की, चार लोग हैं, प्लस हमारी मम्मी है, बाकी ज्वाइंट फैमिली है, भाई वगैरह रहते हैं ऊपर नीचे जो रहते हैं, बाकी हम चार लोग हैं। संजय जी आप क्या काम करते हैं? जी सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ सर। जी जी मतलब चला, गाड़ी चला के आप परिवार का भरण पोषण करते हैं? जी सर। अच्छा, राहुल राजपूत आपके इकलौते बेटे थे? सर इकलौता बेटा था सर। संजय जी आपका दुख बहुत बड़ा है और आपके बेटे, इकलौते बेटे की हत्या हुई है। मैं जानना चाहता हूं संजय जी किस तरीके से घटना हुई, कृपया घटना के बारे में बताइए। सर बच्चा यहाँ जिस रूम में अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था ना जी, वो इस रूम में अपने बैठा हुआ था, उसके पास एक कॉल आती है कि जी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है। वो कहता है कि ठीक है, अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है तो आप यहाँ भेज दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप दो मिनट के लिए बाहर आ जाइए तो उनसे वहीं बात कर लेंगे। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने जाके बाहर बात करने के लिए चला गया। वहां वो पहले से ही सात आठ दस लड़के पहले से ही प्लानिंग बना के वहां पे खड़े थे विद हथियार, जैसे कि हाथ के अंदर वो उन्होंने कुछ लोहे की चीज पहनी हुई थी, ये हाथ के अंदर होता है ना वो नुकीले ऐसे ऐसे, वो उन्होंने हाथ के अंदर पहने हुए थे, मतलब वो पूरा प्लान करके खड़े हुए थे। वहां जाके लड़के को पकड़ के आगे गली में ले जाके वहां उसको बैठा के उसके पेट में हथियार से मतलब खूब वार किया है जी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। जी जी जी, आपको कब पता चला कि इस तरीके का हमला बेटे पे हो गया है? सर हमें इतना नहीं पता था कि उस टाइम पे मतलब हथियार से वार किया है, हमें तो लगा कि जिसने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया है, तो हमने इसलिए जाके हॉस्पिटल दिखाया था। हॉस्पिटल में जाके वो कहते इतनी दिक्कत है तो क्या करे जी, तो कह रहे आपने कब से बीमार है। मैं कहा सर कभी से बीमार नहीं है, तो अभी तबीयत खराब हुई है जी। अच्छा आंतों पे जी आंतें फट गई थी ऐसा बताया है? हाँ जी हाँ जी, जो मतलब मतलब उसका जो आपका पेट का हिस्सा, नहीं नहीं देखिए संजय जी आप बहुत मजबूती से सामने आए हैं और मजबूती के साथ आप इस लड़ाई को, इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए।
संजय जी हिम्मत बना के रखना जरूरी है आपका। मैं आपकी इस हिम्मत को सलाम करता हूं संजय जी। सर हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये नहीं कि वो अगर माइनर बता दिए तो माइनर के बाद में उनको छोड़ दिया जाए दो साल बाद। वो माइनर नहीं है सर, प्लान बनाकर उन्हें हत्या की है। अगर वो माइनर है तो उनके माइंड में इतना कैसे चल रहा है कि इस बच्चे को यहाँ मारेंगे तो ये बच्चा मर जाएगा। वो माइनर नहीं है सर, ये माइनर सिर्फ या तो बनाए जा रहे हैं या फिर ये उनका प्लान है कि माइनर को वहां भेज के हत्या कराई जाए। ये क्रिमिनल जिनको बोलते हैं, माइनर नहीं है सर ये। जिस तरीके से उन्होंने घटना को प्रोफेशनल जी जिस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, कतई इसे कहा नहीं जा सकता कि ये कोई माइनर का काम है। आपका सोचना और आरोप आपका बिल्कुल ठीक लगता है जी। संजय जी जिस तरीके से जिस तरीके से इस पूरे मामले में घटना का कारण बताया जा रहा है, वह क्या, भी आप जरा समझाएं। सर कारण कोई नहीं है, बच्चे क्या है आपस में पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो यार दोस्त मतलब जो क्लास फेलो होते हैं आपस में कहीं आसपास आ जा सकते हैं। अगर ट्यूशन से क्लास से कहीं जाते हैं तो बाहर साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बताइए मेरे को। बिल्कुल उसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब वो बच्चे गलत है या कोई दिक्कत है या किसी के बच्चे को आप इतना सा करने पे आप बच्चे को मतलब मार डालोगे। नहीं नहीं बिल्कुल मेल जोल ठीक है, कहीं से भी कोई गलत नहीं है मुस्लिम को। जी जी मेल जोल ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हत्या कर दिया जाना ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जाता। तो सर ने अगर मान लिया ठीक है हमारे बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो अगर हमारे तो आके हमारे को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए सर, या हमारे बच्चे को आके मार देंगे? मतलब ये तो कल आएंगे चार आदमी आके फिर दोबारा किसी और बच्चे को मार देंगे। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं गली में। जी जी आज मेरे बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ ना हो, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सर माइनर नहीं है, माइनर किसी का मर्डर नहीं करता माइनर। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपका बच्चा होनहार था, पढ़ने में तेज था, ट्यूशन पढ़ाता था और आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था, इसी रूम में जिस रूम में मैं बैठा था फ्री कोचिंग एक एनजीओ में जाके देता था, अगला कोई पैसा नहीं लेता था वहां से एनजीओ से, चार घंटे फ्री कोचिंग देता था वहां जाके वो। जी 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 अच्छा संजय जी, जी जिस तरीके से आपका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और आप एक ड्राइवर हैं, आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर और बेटे को आप कितना बड़ा सपना लेके चल रहे थे। आपका बहुत मन रहा होगा कि वो मेहनत करके आगे बढ़े और कुछ बन के दिखाए। संजय जी जिस तरीके से आपके बेटे को इंसाफ की आवाज उठनी चाहिए उठेगी और तय बात है उसे इंसाफ मिलेगा। आपको भी इन आंसुओं के बदले इंसाफ, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूं आपके बेटे को इंसाफ, आपके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। संजय जी जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि ठीक काम कर रही है? पांच आदमियों को पकड़ा हुआ तो तीन आदमी क्यों नहीं पकड़े पांच दिन से आपने, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा संजय जी इस पूरे मामले में लड़की भी सामने आ गई है, उसने साफ तौर से कहा है कि किस तरीके से उसके भाइयों और उसके भाइयों के दोस्तों ने मिलकर हत्या की है। उस लड़की का कहना है कि पुलिस ने उसकी पहली बार सुनी नहीं थी जब वो बताने गई थी कि मारपीट हो रही है, कुछ लोग उसके दोस्त को मार रहे हैं। उस लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई है, वो लड़की सामने आई है, इस लड़की को लेकर भी आप क्या कहेंगे? सर उनकी जो उनके घर वालों की सोच है वो सोच ही ऐसी, अब क्या करे। वो लड़की ने थाने में बयान दिए कि मतलब घर वाले उनको मार देंगे। जी लड़की की हिम्मत आपको उस पर मैं कह रहा था कि लड़की ने भी बड़ी हिम्मत की है इंसाफ की राह में। बिल्कुल सर बिल्कुल जी जी ठीक है संजय जी, आप हिम्मत बनाए रखें और इंसाफ राहुल राजपूत को जरूर मिलेगा। सर मुझे एक चीज, हेलो
सर मुझे एक चीज बताई जाए, लड़की अगर उनके पास 5 दिन 6 दिन से है, 5 दिन से अगर लड़की उनके पास है तो अभी तक उन्होंने उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान क्यों नहीं कराया पुलिस ने? क्या प्रॉब्लम है पुलिस को बताइए? कम से कम मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक बयान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मेरे को ये बताइए आप। नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात को पूछा जाए ना कि अभी तक क्यों नहीं बयान कराए। जी निश्चित रूप से बयान होंगे, इतनी बड़ी हिम्मत करके वो लड़की सामने आई है तो उसका बयान तो बिल्कुल लिया जाएगा संजय जी। आज 5 दिन हो गए, आज 5 दिन तक अभी तक कोई बयान नहीं लिया गया। अगर बयान लिया गया तो हमारे सामने आया जाए ना कि हाँ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया हमने। लड़की तो मेंटली डिस्टर्ब है, बताइए मतलब ये तो जान करके हमारे केस को दबाया जा रहा ना इस हिसाब से? तो नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है, सारे काम कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल इस पे जिस तरीके से आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है, निश्चित रूप से ऐसा होगा नहीं। कोई इस मामले को नहीं दबा सकेगा, आवाज बुलंद की जाएगी आपकी और आवाज बुलंद होगी। मैं उतना जाऊंगा चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए, जी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठूंगा सर मैं, मेरा बच्चा गया है। और हर व्यक्ति समाज का संघ है जी, आपके साथ हम है, समाज है। एक होनहार बेटे की एक, अब क्या बताऊं मैं, एक इतनी कम उम्र में करूंगा, अगर जब मेरा कोई साथ नहीं देगा जहां तक होगा वहां तक जाऊंगा मैं सर, मेरा बच्चा गया है। साथ सब लोग देंगे आप, संजय जी आपके साथ सब लोग खड़े हैं, इस बात की चिंता मत करें आप। पुलिस अगर आपको लगता है ठीक से काम नहीं कर रही है तो पुलिस को काम ठीक से करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। संजय जी जिस तरीके से आप हिम्मत बनाए हैं आपके साथ सब लोग जुड़ेंगे और इंसाफ जरूर मिलेगा। संजय जी आपने हमें अपना समय दिया, खास करके इस दुख के समय में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।